हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वैकेंसीज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। ये हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट मीन्स एम्स की वैकेंसी। एंड ये एम्स है जम्मू में, तो यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 164। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं ये जॉब्स। आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकली है एंड कितनी वैकेंसीज हैं वहाँ पर। फर्स्ट है हमारी प्रोफेसर की जॉब, नंबर ऑफ पोस्ट है 1, कैटेगरी जनरल के लिए 1 एंड नेम ऑफ डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में टोटल काफ़ी सारी जॉब्स हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रोफेसर के लिए, सेकंड है एडिशनल प्रोफेसर के लिए, थर्ड है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड फोर्थ है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4, जिसमें जनरल के लिए हैं 3 एंड ओबीसी के लिए हैं 1। तो एक तरह से देखा जाए बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल पोस्ट हैं 7। ओके, एंड अब नीचे आते हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, जनरल के लिए है ये, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1, ये भी जनरल के लिए रिजर्व, जनरल के लिए है, रिजर्व तो मैं नहीं बोलूँगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं 4, जिसमें जनरल के लिए हैं 3 एंड रिजर्व है ओबीसी के लिए 1। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगेन है 4, जिसमें जनरल के लिए हैं 2, ओबीसी के लिए हैं 1 एंड एससी के लिए है 1। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट आ जाता है एनाटॉमी, एंड यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है और जनरल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1 है, जनरल अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, 1 जनरल के लिए है एंड अदर एससी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 वैकेंसीज हैं, 3 जनरल के लिए हैं, 1 ओबीसी के लिए है, 1 एससी एंड 1 एसटी के लिए। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है फार्माकोलॉजी, एंड यहाँ पर है प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट और ये जनरल अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट्स। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1, ये भी जनरल्स के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1, अगेन फॉर जनरल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं 4 पोस्ट एंड इसमें से जनरल के लिए हैं 3, ओबीसी के लिए है 1। नेक्स्ट हमारा है डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन एंड फार्म मेडिसिन। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए है 1 एंड ये जनरल के लिए है। एडिशनल प्रोफेसर के लिए भी 1, अगेन फॉर जनरल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 1, अगेन फॉर जनरल। बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 जॉब्स हैं, जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1। नाउ नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फोरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्सिकोलॉजी, एंड यहाँ पे प्रोफेसर के लिए 1 है एंड दिस इज फॉर जनरल। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1, अगेन फॉर जनरल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1, जनरल के लिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, 1 फॉर जनरल एंड 1 फॉर एससी। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर प्रोफेसर के लिए है 2 वैकेंसीज, जिसमें से 1 है जनरल के लिए, 1 है ओबीसी के लिए। एडिशनल प्रोफेसर के लिए भी 2 वैकेंसीज हैं, 1 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 2 वैकेंसीज हैं, 1 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं 3 वैकेंसीज, 1 फॉर जनरल, 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर एसटी। नाउ हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी लैब मेडिसिन, एंड यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज, 1 फॉर जनरल, 1 फॉर एससी। एडिशनल प्रोफेसर के लिए हैं 3 वैकेंसी, 1 फॉर जनरल, 1 फॉर ओबीसी, 1 फॉर एससी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी, जनरल के लिए है 1। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं 6 वैकेंसीज, 4 हैं जिसमें से जनरल के लिए, 1 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए। नेक्स्ट है साइकेट्री डिपार्टमेंट, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है एंड ये है जनरल के लिए। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1, अगेन फॉर जनरल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 1 फॉर जनरल। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं 4 वैकेंसीज, 3 फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए 1। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट एनेस्थीसियोलॉजी, एंड यहाँ पर जो है प्रोफेसर के लिए है 1, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 2 एंड दोनों जगह सिर्फ जनरल के लिए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4, जनरल के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 1। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं 6, आउट ऑफ विच 4 हैं जनरल के लिए, 1 है ओबीसी के लिए एंड 1 है एससी के लिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डर्मेटोलॉजी, एंड यहाँ पर है प्रोफेसर के लिए 1, जो कि जनरल के लिए है। एडिशनल प्रोफेसर के लिए भी 1, जनरल के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1, जनरल के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3, आउट ऑफ विच 1 फॉर जनरल, 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर एससी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जनरल मेडिसिन, यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसीज हैं,
आउट ऑफ विच 2 फॉर जनरल एंड 1 फॉर एससी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं आउट ऑफ विच 1 फॉर जनरल एंड 1 फॉर ओबीसी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 वैकेंसीज हैं आउट ऑफ विच 3 फॉर जनरल, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है पेडिट्रिक्स एंड पेडिट्रिक्स में जो है प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं जिसमें 1 फॉर जनरल 1 फॉर ओबीसी। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1 एंड दिस इज़ फॉर जनरल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 एंड बोथ आर फॉर जनरल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 आउट ऑफ विच 2 आर फॉर जनरल एंड 1 इज़ फॉर ओबीसी। प्रोफेसर के लिए 2 सॉरी प्रोफेसर के लिए जो 2 है ये हमारा अलग डिपार्टमेंट आ जाता है, ये है ऑर्थोपेडिक्स एंड यहाँ पे प्रोफेसर के लिए 2 हैं बोथ आर फॉर जनरल। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1 फॉर जनरल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 फॉर जनरल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 एंड बोथ आर फॉर जनरल। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ENT, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए 1 एंड दिस इज़ फॉर जनरल। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1 अगेन फॉर जनरल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 फॉर जनरल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 हैं आउट ऑफ विच 2 आर फॉर जनरल 1 इज़ फॉर ओबीसी। एंड देन है ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए प्रोफेसर के लिए 1 दिस इज़ फॉर जनरल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 12 आउट ऑफ विच 6 फॉर जनरल 3 फॉर ओबीसी 2 फॉर एससी एंड एसटी के लिए है 1। जनरल सर्जरी के लिए प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है 2 एंड 1 इज़ फॉर जनरल एंड 1 सीट रिजर्व है एससी के लिए। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1 एंड दिस इज़ फॉर जनरल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 आउट ऑफ विच 2 इज़ फॉर जनरल एंड 1 इज़ फॉर ओबीसी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 2 फॉर जनरल 1 फॉर ओबीसी 1 फॉर एससी। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है ऑबस्ट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल गायनोकोलॉजी एंड यहाँ पर है प्रोफेसर के लिए 2 1 इज़ फॉर जनरल 1 इज़ फॉर ओबीसी। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1 एंड दिस इज़ फॉर जनरल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 1 इज़ फॉर जनरल एंड 1 इज़ फॉर ओबीसी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 आउट ऑफ विच 2 आर फॉर जनरल 1 इज़ फॉर ओबीसी 1 इज़ फॉर एससी। नेक्स्ट है ऑप्थेमोलॉजी एंड यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 एंड दिस इज़ फॉर जनरल। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1 एंड दिस इज़ अगेन फॉर जनरल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 फॉर जनरल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 1 इज़ फॉर जनरल एंड 1 इज़ फॉर एसटी। सो टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर 164। एंड आइए देखते हैं इनका सैलरी पे एंड अलाउंस कितना है। प्रोफेसर के लिए 1114A दैट मीन्स 1,68,900 से स्टार्टिंग है। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 13A2 1,48,200। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A1 दैट मीन्स 1,38,300 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है लेवल 12 दैट मीन्स 1,15,000। ओके तो यहाँ से सैलरी की बिगनिंग है। एंड असेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड पूरी रीड कर लीजिए। एंड 29 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट की मतलब दैट मीन्स 29 फरवरी से ये फॉर्म निकल चुके हैं एंड क्लोजिंग डेट है 7 अप्रैल। ओके तो 7 अप्रैल से पहले अप्लाई कर दीजिए जिनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है। एंड फी है इसके लिए जनरल एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए है 3,000, जनरल एंड ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 1,000, एससी एसटी एंड ओपीएच के लिए है 500। ओके एंड अगर आपको डिटेल में ये चाहिए तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, तो आप इनकी इस साइट पे जाइए जो कि ऑफिशियल साइट है www.aims.rishikesh.edu.in। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप में से जो जो अप्लाई करने वाला है जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए एंड जल्दी से जाइए और अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस जॉब। बाय बाय, हैव अ गुड डे।